अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक लेकर आई हूँ। और ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट लेकर आई हूँ, और जो है वो आई होप आप लोगों को वेबसाइट बहुत अच्छी लगेगी। तो बाकी बातें जो है वो मैं वेबसाइट पर ही हम चलकर जो है वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैंने गूगल ओपन कर लिया है। ठीक है, ओके जी, इसमें हम लिखते हैं प्रॉपर्ली। ओके, प्रॉपर्ली जस्ट आप लिखोगे तो प्रॉपर्ली में आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, आपने इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, आपने ओपन कर देना है, सॉरी लॉगिन तो बाद में आएगा, ओपन कर देना है। देन इसके बाद जो है ये फर्स्ट वाली जो है वो हमने ओपन कर देनी है। ठीक है, हमने ओपन करी, इसके बाद जो है इसके अंदर आ रहा है यहाँ पर ना सर्च पर लैंग्वेज फॉर स्पेशलिटी। ठीक है, एक्सप्लोर ट्यूटर्स। ठीक है, जिसको जो है वो इंटरनेशनल ट्यूटर्स चाहिए या लोकली ट्यूटर्स चाहिए, पाकिस्तान में भी है, ये ऑल ओवर कंट्री में सारे ट्यूटर्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और अवेलेबल है सॉरी, और इसमें आपको इंटरनेशनली ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो करना आपने ये अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि जिसने जो है वो ट्यूशन देना है और ट्यूटर बना हुआ है वो, और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी क्वालिफिकेशंस जो है या अपनी जो है वो बता सके कि मैं मतलब उसे कहीं जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो ट्यूशन पढ़ा सके, या कोई भी वजह हो सकती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। लाइक फीमेल्स हैं, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं, वो नहीं निकल सकती हैं घर से बाहर, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मैं लेकर आई हूँ। ये प्रॉपर्ली लाइक आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कन्वीनियंट लगेगा, और आई होप आपको जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है जी, चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आपने जो है वो ट्यूटर जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक मैंने जो है वो अगर हमने इंग्लिश में करनी है तो हम जो है वो इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोर ट्यूटर पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ट्यूटर्स कहाँ हैं और कितने मतलब आपको कितने बजट में जो है वो आपको ट्यूटर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए, ये आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, ये आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, ये आपको ट्यूटर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सर्टिफाइड ट्यूटर्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, इसके बाद ये इन लोगों का कुछ पोर्टफोलियो आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, अगर आपने ये सिलेक्ट करना है, लाइक आपने जो है यहाँ पर व्यूज देखने हैं, इसमें 3.4 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है रिव्यूज आपने देख लेने हैं। ठीक है, पर आर के हिसाब से जो है वो आपको ये चार्ज करेंगे। ठीक है, पर आर के हिसाब से ये आपको $17 ये लेंगे, और पर आर ये $14 ले रहे हैं, ये पर आर $18 ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको, अगर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर सीखनी है तो आपको ये फॉरेन कंट्री के जो है वो ट्यूटर्स बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो क्या आप जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो अगर आपने सब्जेक्ट अपना लिख देना है, लाइक उर्दू अगर आपने लिख देना है, या मैंने लिखना है लाइक मैथ्स लिख देना है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, मैथ के ट्यूटर यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चेक करें, पर आर ये 20। अच्छा, यहाँ पर इनके वीडियो भी इनके पोर्टफोलियो के बराबर में ही इनकी वीडियो है कि किस तरह से ये अपने जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जो है वो
प्रिपरेशन करवाते हैं उनकी, या अच्छी तरह से उनको गाइड करते हैं, या अच्छी तरह से वो उनका पढ़ाने का मेथड क्या है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको अगर इससे थोड़ा सा कम बजट में जाना है तो लाइक अगर आपको जो है $30 पर आर पे जाना है तो फिर हम सिलेक्ट करेंगे, हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लाइक इस तरह से जो है अगर आपने सर्च कर लेना है तो ये 20 आर में आ गया, ये $3 पर आर में आ गया। अच्छा, ये यहाँ का ही बंदा है। ठीक है, ये लाइक पाकिस्तानी है और आई एम श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका का है। ठीक है, इसके बाद ये $11 पर भी आपको मिल जाएंगे, $25 पर भी मिल जाएंगे, $5 पर भी मिल जाएंगे। इनके रिव्यू आप 5 to 5 है। ठीक है, इसकी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो के बराबर में इनकी वीडियो भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये अपना टाइमिंग शेड्यूल भी सबका यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आफ्टरनून में ये मंडे और जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे गैप एंड देन संडे। ठीक है, मॉर्निंग में ये इतने टाइम पे जो है वो नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस कैजुअल भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद आप कंट्री अगर लिखना चाहते हैं तो कंट्री लाइक अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पाकिस्तान के ट्यूटर्स चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के ट्यूटर्स चाहिए। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके जी, पाकिस्तान के ट्यूटर्स में आपको ये वाले ट्यूटर मिल जाएंगे। ठीक है, 11 पर आवर और $5 पर आवर, $4 पर आवर, $5 पर आवर, $6 पर आवर, $5 पर आवर। तो ये आपको इस तरह के जो है वो ट्यूटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आई एम अवेलेबल एनी टाइम। ठीक है, तो इसमें आपने जो है जो आपने अपना कैजुअल जिसमें आप अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपने डेज ऑफ वीक सिलेक्ट देना है, सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है आपने इसमें अपना डे टाइम सिलेक्ट कर लेना है, टाइम जोन जो आप अपना अपने कंट्री के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पे आप अवेलेबल। ठीक है, आई होप आपको जो है वो ट्यूटर का सब समझ में आ चुका होगा कि आपको ट्यूटर किस तरह से मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो है इसमें जो है वो ज्वाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो लाइक ये देखिए, हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हमने या तो फिर मैसेज कर देना है या तो बुक ट्रायल लेसन। ठीक है, अगर आपने मैसेज करना है तो यहाँ के मैसेज के ऑप्शन में, अगर आपने इनको बुक करना है तो मैसेज के ऑप्शन में जाकर हमने अपना ईमेल एड्रेस से इसको लाइक मैंने जो है वो अपने ईमेल से इनको जो है वो मैसेज करना है कि हमें जो है वो आपसे बात करनी है और जो है हमें आपका स्केड्यूल आप बता सकते हैं या जो है वो जो भी आपने मैसेज देना है अपने हवाले से या अपने अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो ये आप यहाँ पर इनको मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, गेट द रिस्पॉन्स यू आर लुकिंग फॉर, शेयर योर मैसेज विद अदर ट्यूटर्स टू रिसीव मोर आंसर्स। ठीक है, लाइक अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चंस करने हैं तो वो आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है और यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, देन आपने उनको मैसेज कर देना है। ठीक है, देन अगर आपने बुक करना है तो आप बुक ट्रायल लेसन पर जा सकते हैं और फिर आप जो है वो उनकी बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्यूटर का पूरा समझ में आ चुका होगा कि हमें ट्यूटर्स पाकिस्तान के या फॉरेन कंट्री के या इंटरनेशनल जो भी आपको ट्यूटर और आपको लैंग्वेज वगैरह सीखनी है तो आप इस पर किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरह से जो है हम यहाँ पर अपने ट्यूटर का जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लाइक अगर हमें अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाना है और हमें यहाँ पर ट्यूशन देना है तो हम जो है वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो लेट्स गो, मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज। अभी दोबारा बोल रही हूँ कि जो जो यहाँ पर आए हैं न्यू, तो प्लीज वो मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है जी, इसके बाद ओके जी, तो जी हम जैसे यहाँ पर इनके जो है वो डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, इनका जो है वो पेज पर हम आ चुके हैं। ठीक है,
जैसे ही आपने इस वेबसाइट को जो है वो आपने जैसे ये देखे, मैं बैंक जाती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो है ये तो मेरा यहाँ पर जो है वो पोर्टफोलियो खुला हुआ है। ठीक है, मैं इसको लॉग इन कर देती हूँ। ठीक है, नहीं इसको मैंने बंद कर दी है। ठीक है, चले मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ठीक है, ये देखे हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यही ओपन की वेबसाइट जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, अब ये इसका ये फ्रंट पेज आ चुका है। अब हम यहाँ पे तो हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। देन हमने जब ट्यूटर के लिए अप्लाई करना है तो हमने जो है बिकम अ ट्यूटर पर हम करेंगे। ठीक है, बिकम अ ट्यूटर पर हम जाकर, ठीक है, हमने ये अपने ओपन कर देना है। टीच ऑनलाइन एंड कनेक्ट विद स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद जाकर जो है वो हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। देन हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देना है। ठीक है, हमने ये पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर साइन अप कर देना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो मैं यहाँ से जो है वो साइन अप कर लूंगी। ओके जी, तो इसके बाद जो है वो हमने बिकम अ ट्यूटर पर ईमेल वगैरह हमने अपने पासवर्ड वगैरह लिख दिया था। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो स्टेप 9 तक आपने जो है वो पूरे अपने स्टेप जो है वो पूरे प्रोसेस करना है। ठीक है, इसके बाद जाकर जो है वो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप पे जो है मेरा जो है वो, चूंकि मेरा जो है वो अकाउंट बना हुआ है और मैं जो है वो अभी अकाउंट दोबारा आप लोगों के सामने जो है वो बनाना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सही जी, अबाउट पर हम जाकर जो है वो हमने अपने बारे में सारी चीजें लिख देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, पाकिस्तान से हूँ मैं, इंग्लिश मेरी जो है वो C1 है, उर्दू मेरी A1 है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो अदर लैंग्वेज भी आप अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपकी C1 है, C2 है, B1 है, B2 है, A1 है, A2 है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है किस जुबान में आप बात करेंगे, तो मैंने तो यहाँ पर उर्दू लिख दिया है। ठीक है, लाइक अगर आपने जो है वो इंग्लिश लिखनी है, आपने जो है वो कोई और जो है वो कोई भी लैंग्वेज लिखनी है, तो यहाँ पर सारी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, बट मैंने अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों को बताने के लिए उर्दू लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसके बाद डिस्क्राइब योर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये तीन ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे। आई हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट इन फॉर्मल सेटिंग, और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, मैंने जो है वो ये वाली कर लिया। ठीक है, डिस्क्राइब योर करंट सिचुएशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज अ लाइक स्टूडेंट लिख दिया, बट मैं स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं या आप जो है वो कुछ और कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, आपने जो है जस्ट एक जो है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपना जो है ये नंबर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ भी अपना नंबर जो आपके पास आपका नंबर है उसके ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, आपके पास उस पर नोटिफिकेशन भी आएगा और वेरिफिकेशन कोड भी आपके जीमेल पर आएगा। सो यहाँ पर आपने जो है वो अपना फोन नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपने अपनी एज कन्फर्म कर लेनी है कि आप 80+ है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है ट्यूटर्स का बेसिकली जो है वो आपने जो है वो अगर ट्यूशन देनी है और आपको ट्यूटर बनना है तो उसके लिए जो है ये इसमें एज जो है वो थोड़ा सा मैटर कर रही है कि एज आपको जो है वो 18+ भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है हमने यू करके टिक कर देना है, देन हमने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट अभी आपके पास ये इंटरफेस आएगा क्योंकि आपके पास जो है वो ईमेल एड्रेस पर आपका वेरिफिकेशन कोड आना है। ठीक है, अभी आप जितना भी यू करते जाएंगे वो कनेक्शन वगैरह का बोलेंगे, बाकी ये इनका कुछ इंटरफेस इसलिए आता है कि हमारे पास इसका वेरिफिकेशन कोड नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पास आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा देन आप यहाँ से सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर सेकेंड स्टेप नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास अभी वेरिफिकेशन कोड आने में या तो फिर 48 घंटे लगते हैं या तो फिर
24 घंटे लगते हैं, ठीक है। इन टाइम के बीच में जो है वो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर फोटोज पर जाएंगे तो आप अपनी फोटोज जो है वो यहाँ पर देंगे, ठीक है, ताकि आपके पोर्टफोलियो पर आपकी फोटो लगे, ठीक है। देन इसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, उसे आपने पूरा प्रोसेस के बाद, इसके प्रोसेस के बाद आप फोर्थ स्टेप पर जाएंगे, एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे कि आपने जो है वो कहाँ से, आपकी तालीम कहाँ की है और आप क्या सब्जेक्ट में ज़्यादा माहिर हैं, ठीक है। और यह है कि इसके बाद आपकी कुछ पढ़ाने की जो है वो कुछ वीडियो, आप कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो कि कुछ सेकंड के, 10 सेकंड के या 15 सेकंड के या 1 मिनट का कोई एक क्लिप है जो कि आप शूट कर लीजिए, देन उसके बाद जो है वो आप उस पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और लाइक मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि हर किसी के पोर्टफोलियो के बराबर में ही उनका एक वीडियो आप लोगों को नजर आएगा, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के बराबर में आपका भी इसी तरह का एक वीडियो नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आप कब कब जो है वो अवेलेबल होंगे और कितने टाइम जोन में आप जो है वो अवेलेबिलिटी आप शो करेंगे अपनी, तो आप यहाँ पर ये अपना शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग मतलब आप जो है वो अपने बजट लिखेंगे कि आप कितने बजट में जो है वो आप पर आर कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर देना चाहें, लाइक अगर कोई आपके आपके पास जो है वो 6 मंथ के लिए आपके पास अप्लाई कर रहा है, या आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है 1 ईयर के लिए अप्लाई कर रहा है, या आपके पास जो है वो डायरेक्टली 2 मंथ्स के लिए, कुछ लोग होते हैं कि 1 हफ्ते के लिए अप्लाई करते हैं, 1 हफ्ते के लिए जो है वो ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ होते हैं 6 मंथ के लिए वो ज्वाइनिंग करते हैं। तो अगर आपके पास कोई बड़े टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है या बड़े टाइम के लिए कोई आपको आपसे जो है वो पढ़ना चाह रहा है, तो ये है कि आप कुछ डिस्काउंट दें उन्हें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो डिस्काउंट का ऑप्शन होगा, ठीक है। देन आपके पास ये पूरे 9 ऑप्शन, आपने जो है 9 जो है वो पॉइंट्स आपने पूरे सक्सेसफुली आपने सारे फिलअप कर देने, देन इसके बाद जो है वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो प्रॉपरली में जो है वो आपका वहाँ पर पोर्टफोलियो शो होने लगेगा जब हम सर्च करेंगे, जो आपने अपनी जो है यहाँ पर स्पेशलिटीज जो लिखती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन, वेरिफिकेशन के हवाले से, तो हम वहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो आपका भी ट्यूशन का नाम आएगा और आपका भी उसके अंदर पोर्टफोलियो हमें नजर आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंटरनेशनल ट्यूटर्स के लिए अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आप इंटरनेशनली ट्यूटर जो है वो ग्रैब करें, तो आप जो है वो पोर्टफोलियो अपना अच्छे से अच्छा और इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो अपना बनाइएगा, ताकि जो है वो अट्रैक्ट करें और जो है आपके जो है वो पोर्टफोलियो की तरफ ज़्यादा लोग आए, तो ये है कि आपको रेटिंग भी ज़्यादा मिलेगी और उससे आपको आपका बजट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं। और ये है कि मेरे डेली ब्लॉगिंग भी आती रहती है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, और थोड़ा सा आप लोग प्यार देंगे तो हम और ज़्यादा इंक्रेज होंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ 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 बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोग तक फ़ौरन आ सके। अल्लाह हाफिज़।